दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई एयरटेल का, वोडाफोन का या आइडिया का सिम है जिसे आप रेगुलर रिचार्ज नहीं करवाते हैं और आप चाहते हैं कि उस सिम को हम रेगुलर चालू रखें, एक्टिव रखें, लेकिन इन दिनों आप परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इन कंपनियों ने इन दिनों नया प्लान निकाल दिया है। मिनिमम 35 का रिचार्ज आपको पर मंथ कराना होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जियो में पोर्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो फ्रेंड, उसके बारे में सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं टैक दल। तो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन ने इन दिनों पुराने सारे रिचार्ज को बंद कर दिया है और सिम को एक्टिवेट रखने के लिए मिनिमम 35 का रिचार्ज ला दिया है। इसके तहत आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। 28 दिन के बाद अगर आप दोबारा रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपके सिम को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड, आपको यह जानना जरूरी है कि सिम को कैसे एक्टिवेट रखा जाए। उसके लिए या तो उसी कंपनी में आप रह सकते हैं या आप चाहे तो जियो में भी जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जियो में पोर्ट कराने से पहले दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एरिया में नेटवर्क जियो का कैसा है। अगर आपके एरिया में, आपके घर के आसपास जियो का नेटवर्क अच्छा है तो आप जियो में पोर्ट कराने के बारे में सोच सकते हैं। बात करें फ्रेंड दूसरे कारण की, तो मिनिमम आपको वोडाफोन, आइडिया या एयरटेल में 35 का रिचार्ज कराना होगा। वहीं पर जियो फोन में आप 49 रुपये में एक महीना अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल, वोडा और आइडिया में आपको 26 रुपये का टॉक टाइम दिया जाएगा, जिसके तहत आप बहुत कम बातें कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर कम पैसे में आप काम चलाना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर जियो में पोर्ट करा लेना चाहिए। बात करें फ्रेंड अगले कारण की, तो अगर कोई भी सिम को आप रेगुलर रिचार्ज करवाते हैं अनलिमिटेड प्लान से, 100 रुपया या 100 रुपये के ज़्यादा वाले किसी प्लान से, 399 या अन्य कोई प्लान से जिसके तहत आपको अनलिमिटेड कॉल और डाटा मिलता है, तो फ्रेंड आप किसी भी कंपनी में रह सकते हैं। वहाँ पर आपको जियो में जाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपका सिम एक्टिवेट रहेगा, वहाँ पर भी आपका सिम बिल्कुल बंद नहीं होगा। ऐसे में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड, सिंपल भाषा में कहें तो अगर कम पैसे में आप सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको जियो में ज़रूर पोर्ट कराना चाहिए। और रेगुलर अगर सिम को आप रिचार्ज करवाते रहते हैं अनलिमिटेड प्लान से, तो आप किसी भी कंपनी में रह के आप अपना काम चला सकते हैं, आपको पोर्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।